हमारे कर्नाटक में भी इस कांग्रेस पार्टी का सेना के साथ कैसा नाता रहा है ये हमारे कर्नाटक के भाइयों से ज्यादा कौन जानता है। फील्ड मार्शल करियप्पा और जनरल थिमैया पूरे विश्व में सेना नायकों के रूप में जिनका नाम था, पूरा हिंदुस्तान जिनका नाम लेते ही गर्व अनुभव करता है। आज भी उनका स्मरण करते हुए हमारे हिंदुस्तान की सेना के जवान मर मिटने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा हो, जनरल थिमैया जी हो, उनके प्रति कांग्रेस सरकारों का क्या रवैया रहा था, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया था, ये इतिहास भली भांति आपको बताता है। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता फील्ड मार्शल जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं ये कांग्रेस का रवैया देश के सेना के मुखिया के प्रति रहा है, कर्नाटक के वीर पुत्र के प्रति रहा है। ये बात कर्नाटक के नौजवानों ने भूलनी नहीं चाहिए।